प्रिपेयर कर रही हूँ गेट रेडी विथ मी। मैं शादी में जा रही हूँ तो मैं अभी कहीं बाहर गई हुई थी तो काजल एंड लिपस्टिक हल्की सी लगी हुई है। फाउंडेशन मैंने नहीं लगाया था, बस सनस्क्रीन लगाई हूँ। नहाकर जस्ट निकली थी तो सनस्क्रीन लगा ली। तो अभी मैं डायरेक्ट मेकअप से स्टार्ट करूँगी। तो मैं ईबा की किट ले रही हूँ आज। तो फर्स्ट मैं प्राइमर अप्लाई करूँगी अपने फेस पे, और ये मैं ईद के टाइम ये मेकअप किट यूज़ की थी और फिर अभी मैं कर रही हूँ। मेकअप करना नहीं है, सिंपल सेटल मेकअप रखूँगी। आपको याद होगा मैं शॉर्ट वीडियोस में डाली हूँ जब मैं गई थी इस ड्रेस को लेने के लिए, और ये बहुत खूबसूरत सा नायरा ड्रेस है, अभी बहुत ज़्यादा चली हुई है नायरा ड्रेस। तो इसके बाद मैं फाउंडेशन अप्लाई कर रही हूँ ईबा की। थोड़ा शेक कर लेती हूँ क्योंकि बहुत दिन के बाद मैं इसे अप्लाई कर रही हूँ। फेस पे डॉट डॉट करके अप्लाई कर लूंगी, देन ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से इसे ब्लेंड कर लूंगी। मेकअप तो मुझे करना नहीं है, बेस भी मैं थोड़ी मेहंदी देख सकते हो, मैं शादी मुबारक फेस कर रही हूँ तो इस वजह से मेहंदी मेरे हैंड पे भी लगी हुई है, क्योंकि तो मैं शादी मुबारक फेस कर रही हूँ इस वजह से मेहंदी हाथ पे लगी हुई है। और कंसीलर के लिए मैं स्विस ब्यूटी कंसीलर ले रही हूँ। अभी ये मेरी करंट फेवरेट कंसीलर है, बहुत अच्छी है गाइस, बहुत अच्छे से हाइड कर देती है एंड बहुत अच्छी है। जहाँ पे मेरी पिगमेंटेशन है मैं वहाँ पे भी अप्लाई कर रही हूँ। और अभी मैं थोड़ी देर पहले ही आईब्रो बना कर आई हूँ, बहुत ज़्यादा आईब्रो बड़ी बड़ी सी लगी हुई, बहुत ज़्यादा आईब्रो बढ़ी हुई थी, देख सकते हो कितने अच्छे से कवरेज ये प्रोवाइड करती है। अपने मेकअप को सेट करने के लिए मैं ईबा की कॉम्पैक्ट पाउडर ले रही हूँ, और जहाँ पे मैं कंसीलर अप्लाई की हूँ जस्ट बस वहीं पे अप्लाई करूंगी, क्योंकि विंटर सीजन है, ज्यादा अप्लाई नहीं करना चाहिए। और वहाँ पे हमारा ऐसा नहीं करूँ, इसमें हटा दो। देन मैं सुगर कॉस्मेटिक की ब्लश, हाइलाइटर और इसमें कंटूर रहती है तो ये पैलेट ले रही हूँ। तो फर्स्ट हल्का सा कंटूर करूंगी, ज्यादा नहीं। देन इसके बाद मैं ब्लश अप्लाई करूंगी, हाइलाइटर, और मैं सेम ब्रश यूज कर रही हूँ हाइलाइटर के लिए। देन आई मेकअप के लिए मैं मेबेलिन की पैलेट ले रही हूँ, आई शेडो पैलेट। आई मेकअप भी बहुत मैं सेटल रखने वाली हूँ तो फर्स्ट मैं ये ब्राउन कलर ले रही हूँ ट्रांजिशन कलर के लिए। देख सकते हो मैंने ब्राउन कलर अच्छे से अप्लाई कर लिया है। देन इसके बाद मैं ये शिमर शेड ले रही हूँ हल्की सी, और इसे मैं इनर वी पे अप्लाई करूंगी। फिंगर की हेल्प से आराम से ये अप्लाई हो जाती है। देन इसके बाद मैं जेल लाइनर ले रही हूँ स्विस ब्यूटी की, इसे ब्रश की हेल्प से मैं अप्लाई करूंगी और थोड़ा स्मज करूंगी। जेल लाइनर लगा दिया है और उसे अच्छे से स्मज कर दी हो तो कितनी अच्छी लग रही है। देन इसके बाद मैं लैक्मे की काजल ले रही हूँ। ऐसे तो मैं काजल अप्लाई की हुई हूँ बट वो हल्का फेड हो गया है तो इसे मैं और डार्क कर ले रही हूँ। इनर कॉर्नर में हाईलाइट कर लेती हूँ, ऑबोन भी हाईलाइट कर लूंगी, और मैं अपनी आईब्रो फिल नहीं की हूँ तो आईब्रो फिल कर लेती हूँ। करने के लिए मैं आईब्रो पेंसिल ले रही हूँ और अच्छे से अपनी आईब्रो फिल कर लूंगी। मस्कारा के लिए मैं मेबेलिन की लैश कंसील मस्कारा ले रही हूँ, और ज़्यादातर मैं यही मस्कारा यूज़ करती हूँ गाइज अगर मुझे कहीं जाना होता है बाहर। ये बहुत अच्छी है, बहुत अच्छे से वॉल्यूम देती है। पैन ले रही हूँ और ये ब्राउन कलर में है, सॉरी मैरून कलर में है, बहुत अच्छी है ये लिप लाइनर। ज़्यादातर मैं यही लिप लाइनर यूज़ करती हूँ। मेरी आई
मेकअप थोड़ी सेटल है तो मैं लिपस्टिक थोड़ा डार्क रखूंगी और मैं स्टे क्वेटी की मिनी लिपस्टिक ले रही हूँ। जो शेड नेम है वो टू हॉट फॉर डे नाइट 7 है और ये बहुत अच्छी कलर है गाइस, बहुत अच्छी लिप में लगती है। हेयर स्टाइल समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूं, तो मैं देखती हूं मैं क्या कर सकती हूं हेयर स्टाइल में, तो मैं करके जल्दी से आती हूं। दिस इज माय फाइनल लुक गाइस। हेलो गाइस।